स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। ठीक है, और इसमें जो आपका मेन टॉपिक था वो क्या था? कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2। बेटा बेसिक कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है कि द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। दो या दो से ज्यादा रेशोज जो मिलके बनाती हैं वो बनाती है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन हम लिखते हैं। द कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। बेटा देखिए, ये तो डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब आपको याद होगा कि इसमें क्या होता था, एक होता था आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको याद था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़े, या एक कम हो और दूसरी भी कम हो, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर आपको याद है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता था आपको याद होगा कि अगर एक चीज बढ़े और दूसरे भी बढ़े, ठीक है, वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, और वन क्वांटिटी वन क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड एंड अदर इज ऑल्सो डिक्रीज्ड is called direct proportion। ठीक है बेटा, अब देखिए एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ आपको। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि मैं कहता हूँ कि जो है 8 eggs, या मैं कहता हूँ आपको कि 100 अंडे जो है 100 eggs, 100 eggs या 100 rupees के 100 rupees के 8 अंडे हैं, 8 egg हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि 120 रुपए के कितने एग्स होंगे, ठीक है, कितने अंडे होंगे। बेटा देखें, 8 अंडे 100 रुपए के हैं, या 100 रुपए के 8 अंडे हैं, तो अब 120 रुपए के कितने अंडे होंगे। अब देखिए, रुपीस पहले 100 थे और अंडे थे 8, अब रुपीस हो गए 120, तो अंडे भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि भाई देखिए, मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप जो है ना 50 लीटर में फॉर एग्जाम्पल आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 300 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 लीटर में कितना कवर करेंगे, हाउ मच डिस्टेंस कवर। ठीक है, आप देख रहे हैं जब 50 लीटर में 300 किलोमीटर है, तो ज़ाहिर है कि 60 लीटर में क्या हो जाएगा, एक्स, ये भी क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। यानी एक चीज बढ़ी है दूसरी भी बढ़ी है। इस तरह अगर एक चीज कम होगी और दूसरी भी कम हो तो ये हम कहें क्या है, ये भी क्या होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब ये तो है डायरेक्ट है, अब इसके बाद एक है इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है कि अगर वन क्वांटिटी इज इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज्ड, और वन इज डिक्रीज्ड एंड अदर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि 20 जो है ना, 20 मजदूर या 20 आदमी जो है ना, 20 मैन, 20 मैन जो है वो काम करते हैं 12 दिन में, 12 डेज में, कि 20 आदमी एक काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई 30 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। कितने दिन में खत्म करेंगे तो जाहिर है कि दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। कितने दिन में खत्म है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ एक्स डेज। देखिए 20 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं, और 30 आदमी ज्यादा, कि जब आदमी बढ़ाएंगे तो दिन क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे कम, ठीक है, दिन हो जाएंगे लेस। तो ये आपके पास हो जाएगी इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये आपके पास क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब बेसिकली हमने करना है कंपाउंड, ठीक है। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट भी आता है और इनवर्स भी आता है। तो डायरेक्ट में अब हम ये कैसे सॉल्व करना है ये अब आपको सिखाना है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट भी होगा और इनवर्स भी होगा दोनों में, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात आपने याद रखनी, जब भी डायरेक्ट होता है ना, तो डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम डायरेक्ट क्वांटिटी करेंगे तो डायरेक्ट में देखिए, जैसे जो हम एक्स आता है ना, जहाँ पे एक्स आता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अनडिफाइंड कर रहे हैं एक्स, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट में आप हमेशा एरो आप इस तरह लगा देंगे, ठीक है। एरो आप लगा देंगे, यानी हेड आएगा, यानी टेल से स्टार्ट होगा, टेल आएगा एक्स पे और हेड आ जाएगा जो दूसरी क्वांटिटी आपको पता है। और बिल्कुल ऐसे ही जो है ना, आप एरो आप लगा देंगे यहाँ पर, डायरेक्ट में एरो की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। डायरेक्ट में एरो की डायरेक्शन सेम होगी। इनवर्स में क्या होगा बेटा, आप देखें इनवर्स में आप जो है ना, पहली जहाँ पे एक्स है वहां पे तो आप एरो लगा देंगे, हेड यानी टेल से स्टार्ट होगा, टेल आएगा एक्स के ऊपर, और हेड या तीर खत्म हो गया एरो, वो आएगा इसके ऊपर, यानी दूसरी क्वांटिटी जो आपको पता है। और यहाँ पे आप इसका रेसिप्रोकल उलट कर देंगे, ठीक है, यानी एरो उल्टा लगा देंगे, ठीक है। तो इनवर्स में एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और डायरेक्ट में रेशो क्या, अपना एरो की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अब बेटा हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का ना, ये क्वेश्चन नंबर 1, कंपाउंड रेशियो। अब इसमें डायरेक्ट भी होगा और इनवर्स भी होगा, अब आपको यह सिखाना है, ठीक है बेटा। देखिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रक ड्राइवर ड्राइवर चार्ज रुपीज 2000 फॉर 10 किलोमीटर, ठीक है, विद विद अ लोड ऑफ 800 kg, what will be the charge
what will the charges if shark cover shark cover a distance of 8 kilometer with load of 600. अब बेटा देखिए इसमें जो है ना ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इस देखिए आप लिखा हुआ क्या ट्रक ड्राइवर चार्ज रुपीज टू 2000 फॉर 10 किलोमीटर, यानी एक जो ट्रक ड्राइवर है 10 किलोमीटर के 2000 चार्ज ले रहा है और लोड है 800 kg. अब कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द चार्जेस इफ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर विद लोड ऑफ 600 kg. अब आपने पैसे फाइंड करने को कितने चार्ज लेता है डिस्टेंस 8 किलोमीटर और लोड 600 kg. ठीक है, अब बेटा आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि जो चीज़ आपको चाहिए होती होगी ना वो आप सपोज कर लेंगे कहाँ पर, वो आप हमेशा लेफ्ट पर लिखेंगे. तो यहाँ पे लिख लेंगे चार्जेस, चार्ज रुपीज में. ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्टेंस 1 किलोमीटर में, और यहाँ पे आप लिख देंगे लोड, और ये आप लिख देंगे केजी में. ठीक है, लोड आप लिख देंगे केजी में. ठीक है, केजी में. अच्छा अब बेटा देखिए, अब आपके पास स्टार्टिंग में चार्जेस हैं 2000 ना, ये आ गए 2000. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 10 किलोमीटर. ठीक है, और लोड कितना है आपके पास 800 kg. ठीक है, उसके बाद देखिए चार्जेस हमने फाइंड करने हैं, ये हम सपोज कर लेंगे एक्स, चार्जेस हम सपोज कर लेंगे एक्स. ठीक है, ये हमने फाइंड करने हैं, और डिस्टेंस कितना आपके पास है, अब डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और लोड है 600 kg. ठीक है, अच्छा बेटा जब भी आपने डायरेक्ट आपने कंपाउंड रेशियो फाइंड करनी होगी, ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि ये जो आपके पास है जो आपको जो अननोन क्वांटिटीज है, यानी जो चार्जेस एक्स हैं जो आपने फाइंड करनी, यहाँ पे आप लगा लेंगे एरो का निशान. और ये एरो आपने क्या करना है, हमेशा आपने याद रखना है कि ये टेल स्टार्ट होगी एक्स से और हेड स्टार्ट, हेड इसका होगा कहाँ पर, जो क्वांटिटी आपको पता है. ठीक है, यानी आप याद रखिएगा हमेशा आपने क्या करना है कि जो अननोन क्वांटिटी होती है वहाँ से आप एरो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उसकी टेल आएगी कहाँ पर, एक्स पे, और हेड कहाँ पर होगा, जो चीज़ आपको पता है. ठीक है, अब आपने इसके साथ चेक करना है कि जो बाकी क्वांटिटीज जो बच बन रही है, डिस्टेंस और लोड, आया वो डायरेक्ट है या इनवर्स है. अगर डायरेक्ट होगा तो एरो आप बिल्कुल सेम वैसे ही लगाएंगे, अगर इनवर्स होगा तो एरो आप ऑपोजिट लगाएंगे. अच्छा अब बेटा देखें, अब आपके पास डिस्टेंस है 10, ठीक है, 10 किलोमीटर के हैं 2000 पैसे, अब डिस्टेंस हो गया 8. देखिए डिस्टेंस कम हो रहा है तो पैसे भी सर अंडरस्टूड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट होगा. तो यहाँ पे भी आप एरो लगा देंगे ऐसे. ठीक है बेटा, अब क्लियर है. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस 10 किलोमीटर के 2000 है, अब डिस्टेंस कम हुआ तो पैसे भी कम हो गए, तो ये डायरेक्ट है. एक तो ये आ गया. अब आपने चेक करना चार्ज, चार्जेस और लोड के साथ. अब लोड था 800 रुपये और चार्जेस थे 2000, अब लोड हुआ है 600, यानी लोड कम हुआ है तो पैसे भी कम हो गए, तो ये भी आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट होगा. ठीक है, इसकी भी हम एरो ऐसे लगा देंगे. ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे बेटा, जहां से ये एरो स्टार्ट हो रहा है जो टेल है ये आप लिखेंगे ऊपर, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2000. ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे. ठीक है, नहीं जो क्वांटिटी आपको, जो अननोन क्वांटिटी है उसके बाद आप एक्स की वैल्यू, उसके बाद आप लगा देंगे इक्वल का साइन. ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, अब टेल स्टार्ट हो रही है 8 से, तो 8 आ जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे. फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, और देखिए यहाँ पे भी टेल 600 से स्टार्ट हो रही है, तो टेल आ जाएगी ऊपर
तो नीचे आपके पास आ जाएगा हेड 800। ठीक है बेटा, अब देखिए 2000 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 600 ओवर 800। बेटा जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैंसिल हमारे पास, देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, और फिर ये 8 1 8 ये कट गया। ठीक है बेटा, अब दूसरा फिर देखें, ये 1 0 से ये 1 0 भी कट जाएगा। ठीक है, तो मैं बस बच गया एक्स इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 6, 200 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ जाएगा 1200। ये आपके पास आ गया 1200, तो 1200 आपके पास का बेसिकली प्राइस है, चार्जेस है, तो आएगा रुपीज 1200। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डिस्टेंस 8 किलोमीटर हो जाए और लोड 600 किलोमीटर हो जाए तो चार्जेस हो जाएंगे कितने, 1200। तो आपने मेन इसमें याद रखना है कि डायरेक्ट कौन सा बन रहा है और इनवर्स कौन सी बन रही है। ठीक है, और आपने एरो हमेशा स्टार्ट करना है कहाँ से, जो अननोन क्वान्टिटीज है। ठीक है, अननोन क्वान्टिटी वहाँ से आपने एरो स्टार्ट करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि 10 मैन कैन रिपेयर 5 मशीन्स। इन 2 डेज how many machines are repaired by 8 men in 3 days। बेटा आपको क्या कह रहे हैं कि 10 आदमी जो है ना, 10 आदमी 5 मशीनें 2 दिन में सही करते हैं। अब आपको हाउ मैनी मशीन्स आर रिपेयर्ड बाय 8 मैन इन 3 डेज, यानी ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसमें देखें कह रहे हैं 2 से ज़्यादा आ रही है क्वांटिटीज ना, आदमी भी आ रहे हैं, मशीन भी आ रही है और डेज भी आ रहे हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी मशीन्स आर रिपेयर्ड बाय 8 मैन इन 3 डेज, यानी 3 दिन में 8 आदमी कितनी मशीनें सही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि लेट नंबर ऑफ मशीन्स आर एक्स, नंबर मशीन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं मशीन्स, कोशिश करें जो क्वांटिटी आपको चाहिए हो वो हमेशा आप कहाँ लिखें, लेफ्ट पे लिखें। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लिख देंगे मशीन्स, यहाँ पे आप लिख दें डेज, बल्कि ठीक है यहाँ पे आप मैन लिख दें और यहाँ पे आप लिख दें डेज। अब बेटा देखिए, अब आपके पास स्टार्टिंग में क्या मशीन्स कितनी है, 5 है। ठीक है, मैन कितने हैं, 10, डेज कितने हैं, 2। ठीक है, उसके बाद मशीन्स आपने सपोज की एक्स फाइंड करनी है और आदमी कितने हो जाते हैं, 8, और डेज कितने हो जाते हैं, 3। ठीक है, अब बेटा आपको टेक्निक मैंने सिखाई थी कि आप जो अननोन क्वांटिटी होती है आप एरो स्टार्ट करेंगे, टेल स्टार्ट करेंगे एक्स से, तो ये आपने लगा दिया एरो। ठीक है, इसका हेड जहाँ पे जो क्वांटिटी आपको पता है वहाँ पे लगाएंगे और जो अननोन क्वांटिटी है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि आया इसके साथ जो है पहले मशीन्स और मैन जो है वो डायरेक्ट बन रहा है या इनवर्स बन रहा है। ठीक है, अब बेटा देखिए 10 आदमी थे और 5 मशीनें हैं, 10 आदमी थे और 5 मशीनें सही कर रहे हैं। अब आदमी हो गए हैं कम,
तो मशीनें भी क्या होंगी, काम, तो ये भी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यानी एक चीज कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है, ठीक है। आदमी 10 थे, मशीनें होगी 5, अब आदमी 8 है तो मशीनें भी क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे पे आ जाए, अब देखें 2 दिन है, 2 दिन है उसमें मशीनें हैं 5 और सही करते हैं, अब दिन बढ़ गए 3 हो गए तो मशीनें भी बढ़ जाएंगी, ठीक है ना बेटा। देखिए 2 दिन में 5 मशीनें वो सही कर रहे हैं, ठीक है। अब दिन क्योंकि 1 दिन बढ़ गया है तो ज़्यादा वो मशीनें भी क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 2 दिन में कोई काम करते हैं, ठीक है, एक काम 2 दिन में करते हैं, 3 दिन में वो काम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, और आप काम कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अब जो आपको टेक्निक सिखाई थी कि सबसे पहले आप लिख लेंगे जो एक्स जो टेल है, जहाँ टेल स्टार्ट हो रहा है ये आ जाएगा पॉन में, और डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैन 8, 10 और 8 है, जो टेल है ठीक है वो 8 आ जाएगा, और डिवाइड जहाँ हेड है वो आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर टेल 3 है और हेड आपके पास क्या है, 2 है, अब 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 8/10 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब बेटा जो कैंसिलेशन हो गया कैंसिलेशन कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये 5 1 5 5 2 10, ठीक है, और फिर ये 2 1 2 2 4 8, फिर देखें ये आपके पास 2 1 2 2 1 2 और 2 2 4, बेटा आपके पास देखिए एक्स आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6, तो जो एक्स हमने सपोज किया था नंबर ऑफ मशीन्स, तो आप लिख लेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ मशीन्स इज इक्वल टू 6, एंड वो कहने का मतलब ये है कि 8 आदमी 3 दिन में 6 मशीनें सही करेंगे, ठीक है बेटा, तो क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन में देखे 3 समझाए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, ये आपने सारा काम नीट कॉपी पे करना है। अब लिखा है कि 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। इन्हें एक काम 12 आदमी 8 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी मैन कैन डू 3 टाइम्स ऑफ दैट वर्क इन 16 डेज। तो अब बेटा देखिए कहने का मतलब ये है कि अब देखें एक काम जो ना वो 3 दिन में एक, यानी क्या करते हैं कि 12 आदमी एक काम 8 दिन में करते हैं, तो अब देखिए एक काम का मतलब ये है कि यानी, और फिर यानी 12 आदमी एक काम 8 दिन में करते हैं, और कितने आदमी इससे 3 गुना काम, इससे 3 गुना काम 16 दिन में करेंगे। अब देखिए बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें सपोज करते हैं कि वन वर्क को हम सपोज करते हैं, वन वर्क इज इक्वल, जैसे मैं वन सपोज करता हूँ, ठीक है, और 3 टाइम्स वर्क कितना हो जाएगा,
थ्री टाइम्स यार बोलेगा वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, यानी थ्री आ जाएगा, ठीक है बेटा। यानी एक काम जैसे मैं सपोज करता हूँ वन, ठीक है, और थ्री टाइम्स क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं एक काम के जैसे चार हिस्से होते हैं, तो एक काम जैसे एक हो जाएगा, बाकी काम कितने बच जाएगा, तीन हिस्से बच जाएंगे, ठीक है। पर हम सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ मेंस लेट नंबर ऑफ मेन इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ हम बनाते हैं डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें हमें जो चीज चाहिए होती है वो कोशिश करें और लेफ्ट पे लिखे, तो यहाँ हम लिख देंगे मैन, यहाँ पे हम लिख देंगे मैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे डेज, यहाँ लिख देंगे वर्क। अब बेटा देखिए, अब आदमी कितने स्टार्टिंग में 12 है, दिन कितने हैं 8 है, और वो एक काम खत्म करते हैं, ठीक है। ये वर्क। अच्छा अब मैन सपोज करेंगे एक्स, डेज कितने हो गए 16, ठीक है, और काम कितना हो गया 3, बाकी जो ठीक है थ्री टाइम मतलब 3। अब बेटा आपको मैं टेक्निक सिखाई थी, आपने यहाँ पर आंखें बंद करके आपने जो क्वांटिटी आपको चाहिए होगी यहाँ से आप अपना एरो स्टार्ट करेंगे और उसका टेल कहाँ पे आ जाएगा, हमेशा अननोन क्वांटिटी टेल एक्स पे आएगा, और जो है जहाँ पे दूसरी क्वांटिटी आपको पता होगी वहाँ पे आपके पास इसका हेड आएगा। अच्छा अब बेटा देखिए, अब आपने चेक करना है कि ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है, मेन चीज़ ये है। अब बेटा देखें 12 8 दिन में 8 दिन है, और 12 12 दिन में 8 आदमी काम खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए दिन बढ़ गए हैं, दिन क्या हो गया बढ़ गए हैं, ठीक है, तो वही काम क्या होगा, वो काम जल्दी खत्म होगा ना बेटा, ठीक है। दोबारा सुन देखे ना, 8 दिन है और 12 आदमी है, अब दिन हो गया देखे 16, दिन क्या हो गया 16, तो आदमी ने काम इन्हें कोई दिन बढ़ा दिए, आदमी कम से भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनवर्स। ये क्या हो जाएगा इनवर्स, इनवर्स में एरो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनवर्स में एरो ऑपोजिट होती है, डायरेक्ट में एरो की डायरेक्शन सेम होती है, इनवर्स में एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। लेकिन 12 आदमी थे 8 दिन थे, ठीक है, अब दिन बढ़ गए तो आदमी कम हो जाए, एक तो बात ये, ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, आप वर्क से चेक करना है, अब देखिए 12 आदमी एक काम को ख़त्म करते हैं, अब 3 गुना काम ख़त्म करने को ज़रा आदमी ज़्यादा चाहिए आपको, देखे ना, जैसे आप 4 दोस्त हैं और यानी एक काम है, जैसे एक काम पर्टिकुलर एक काम है उसको 4 दोस्त ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, मगर मैं यही कह रहा हूँ काम इसे 3 गुना बढ़ जाए तो ज़रा आपको आदमी भी ज़्यादा चाहिए होगा ना उस काम को ख़त्म करने के लिए। तो अब देखिए आदमी 12 है काम एक है, अब काम बढ़ रहा है तो आदमी भी बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे, देखिए पहले यहाँ से टेल स्टार्ट होगी वो लिखेंगे एक्स ओवर 12, दरमियान इक्वल का साइन। अब देखिए यहाँ पर टेल स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 8 से, तो आ जाएगा 8/16 और मल्टीप्लाई बाय ये 3/1। अब बेटा देखिए 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8/16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, देख ठीक है, ये 3 1 3 3 सॉरी, ठीक है बेटा। अच्छा ये चलो टेबल कैंसिल कैंसिल कर दिया, ये 8/16 और ये 3/1। बेटा देखिए टेबल कैंसिल हो रहा है किससे, ये 8 1 8 8/16 और फिर देखें ये 2 1 2 और 2 6 12, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 6 2 द
18, ठीक है। अब 18 आदमी जो है ना, 18 आदमी तीन थ्री टाइम्स वर्क 16 दिन में खत्म गए, ठीक है। तो अब ये नहीं, आदमी देखे बढ़ गए, क्योंकि अब काम क्या हो गया, बढ़ गया, काम हो गया 3 गुना। अब आप लिख देंगे नहीं, जो आपके पास एक्स आ जाएगा 18 9 आ जाएगा, ठीक। ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब बेटा एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाता हूँ, ठीक है, और फिर आप लोग जो है ना बाकी भी कुछ सेम ऐसे आपको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 4, थोड़ा समझ लें, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 100 हेंस ईट 1/4 1/4 क्वांटिटी ऑफ फीड इन 21 डेज, ठीक है, इन 84 फीट फीट। आपको क्या कह रहे हैं कि जो 100 मुर्गी है ना, हैंस है, ईट 1/4 क्वांटिटी ऑफ फीड्स इन 21 डेज, ठीक है। यानी कि ये खुराक का, फीड का 1/4 का मतलब कि यानी चौथा हिस्सा जो है वो क्या खा रही है, 21 दिन में। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में 84 हेंस विल ईट रिमेनिंग फीड, ठीक है। अब बेटा अब आपको बताना, देखिए आप देखें, यानी 1/4 का मतलब ये होता है 1/4, देखिए 1/4 का मतलब ये होता है 1/4 होता है 1/4, ठीक है। अब कहने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि टोटल क्वांटिटी, जैसे मैं सपोज करता हूँ टोटल क्वांटिटी, बेटा देखिए जैसे आपके पास क्या है कि 1 है, तो 1/4 तो आ जाएगा 1/4, ठीक है, ठीक है। यानी उसमें से 1 को, यानी टोटल क्वांटिटी 1 है, और 1/4 का मतलब यानी उसका चौथा हिस्सा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग क्वांटिटी है बेटा, देखिए रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी वो देखिए टोटल क्वांटिटी में सपोज करूं जैसे 1 है, ठीक है, और 1/4 उसने इस्तेमाल कर लिए, एक 1/4 का मतलब था 1/4, तो देखिए जब आप 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 × 1 = 4, 1 3/4, ठीक है ना, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 − 1 = 3/4, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगी, 3/4। बात आ गई समझ में, जैसे टोटल क्वांटिटी सपोज कर लेते हैं 1 होती है, ठीक है, और 1/4 का मतलब उसमें से चौथा हिस्सा, तो 1/4 है, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी वो 3/4 है, ठीक है बच्चे। तो ये है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो आपको चाहिए वो तो आप लिख लेंगे लेफ्ट पे, ठीक है। अब आपको इन हाउ मैनी डेज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेज, यहाँ पे आप लिखेंगे डेज, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे उसके बाद डेज के बाद आप लिख देंगे फीड, ठीक है, या हैंड लिख दें, बाकी हैंड लिख दें, यहाँ पे आप लिख दें हैंड्स, यहाँ पे आप लिख देंगे फीड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है, अब देखिए अब आपके पास क्या है बेटा कि डेज आपके पास कितने हैं,
21 है, कितने 21 है। मुर्गियां कितनी है स्टार्टिंग में, 80 मुर्गियां कितनी है, 100 है। और पहले वो 1/4 हिस्सा खा रही, ठीक है, खुराक का चौथा हिस्सा, ठीक है। जैसे टोटल 4 रोटियां खा ली तो एक रोटी जैसे आपने खा ली तो एक बच गई, बाकी बच गई 3, ठीक है, 3/4। अच्छा अब उसके बाद देखिए मुर्गियां कितनी है, आपने एग फाइंड करनी है, एक्स डेज और डेज फाइंड करनी है, एक्स मुर्गियां कितनी है। अब मुर्गियां कितनी, 84 है, ठीक है, मुर्गियां 84 है। और फीड कितनी होगी, 3/4। अब आपको मैंने टेक्निक बताई थी कि अब आपने क्या करना है कि पहले तो आपने जहाँ एक्स चाहिए होता है उसको वहां पे लगा देंगे टेन, ठीक है, एरो की डायरेक्शन, एरो स्टार्ट करेंगे जो अननोन क्वांटिटी वहां से और ख़त्म करेंगे जहाँ पर आपको क्वांटिटी पता है। अब आपने चेक करनी है कि आया ये इनवर्स है या डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट होगा तो एरो की डायरेक्शन सेम होगी, अगर इनवर्स होगा तो एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने चेक करना था कि पहले थी मुर्गियाँ थी 100, ठीक है, और दिन कितने थे 21। अब मुर्गियाँ 84 यानी मुर्गियाँ कम कम हुई हैं तो दिन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही है कि जैसे आप लोग घर में 6 अफराद हैं, ठीक है, 6 लोग हैं और घर में खाना जो घर में फूड है वो 4 दिन के लिए जैसे, ठीक है, अगर आप आपके घर से 2 लोग चले जाएं तो दिन भी कम हो जाएंगे ना, ठीक है, तो दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए 6 आदमी है और खुराक 4 दिन के लिए, 4 दिन का राशन है, ठीक है, 4 दिन का आटा या राशन है। अब 2 आदमी अगर आपके घर से कहीं चले जाएं तो आप देखेंगे वो दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब कि देखें ये क्या हो जाएगा आपके पास, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 100 मुर्गियाँ 21 दिन है, अब मुर्गियाँ कम हुई हैं तो दिन बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट, ये हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। अब आपने इस पर चेक करना है बेटा, देखिए खुराक का जो चौथा हिस्सा है ना वो 21 दिन के लिए है, अब 3 गुना खुराक है, 3 गुना तो दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, दिन भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। देखे ना पहले समझे कि फॉर एग्जाम्पल जो है, ठीक है, अब खुराक का एक हिस्सा जो 21 दिन में खा मुर्गियाँ खा रही हैं, अब जो बाकी जो खुराक अब 3 हिस्से हैं, ठीक है ना, पहले एक हिस्सा, जैसे एक हिस्सा है अब 3 हिस्से हैं, ठीक है, तो अब जैसे दिन भी बढ़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फीड भी बढ़ी है तो दिन भी बढ़ जाएंगे। अब हम इसे लिखेंगे, पहले टेल से स्टार्ट करेंगे, एक्स ओवर 10 आ जाएगा, एक्स ओवर 21 इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 100 ओवर 84 मल्टीप्लाई। अब बेटा देखिए ये 3/4 है और आपकी आसानी के लिए क्या करता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 1/4 लिख देता हूँ, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं ना, तो आपकी आसानी के लिए 3/4 लिखा मैंने और डिवाइडेड बाय 1/4। अच्छा अब देखिए ये एक्स ओवर 21 आ गया, ये 100 ओवर 84 और ये 3/4 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 4 ओवर 1 हो गया, ठीक है बेटा, देखिए 21 हो रहा है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, 84 फिर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 4/4 और 4/25 आपके पास बच गया, x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आएगा, 25 × 3 = 75 बेटा, ये आपके पास आ जाएंगे 75 days। ठीक है तो ये आपके पास का रिजल्ट होगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, बाकी भी आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपसे नहीं होंगे वो मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है, इनको आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और बेटा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।